तो दिल्ली में जिस तरीके से नाइट का जो वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया उसके तरफ से अगर जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई भी की जा रही दिल्ली पुलिस द्वारा। आप निकले थे, आपका चालान किया जा रहा है, जी जी गलती की आपने, क्या गलती की? गलती क्या हुआ, साउथ एक्स जॉब करता हूँ मैं, साउथ एक्स में जॉब करता हूँ, वहाँ से बस यहाँ तक आया, मेरी जेब से गया, मालिक नहीं दे रहा पैसा। आपको पता नहीं था कि यहाँ पे लॉकडाउन? मैं नहीं, हम ड्राइवरी करेंगे नहीं, उसने गाइडलाइन नहीं पड़ी थी, आपको बताया भी नहीं गया, मालिक ने भी कुछ नहीं बताया गया, उन्होंने खुद ही मतलब ये मुझे बोलते मेरे ऊपर ही डाल दे कि आपको पता होना चाहिए। हाँ, मुझे कहाँ पता होगा, ड्राइवर आदमी सर। आपसे मैं जानना चाह रहा था साहब कि किस तरीके से लोग नियमों का पालन कर रहे हैं यहाँ पर, कि इस तरीके के लोग कितने लोग सामने आ रहे हैं जिनका चालान करना पड़ रहा है? सर हमारे सीनियर आए हैं, उनसे कहा आगे हैं, आगे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग आज निकल रहे हैं घर से बाहर उनके लिए यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर पूछताछ भी की जा रही है कि आखिरकार वो घर से बाहर क्यों निकले हैं, जानकारी ली जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं कि आखिरकार वो घर से बाहर क्यों निकले हैं। जब यहाँ पर वीकेंड का जो कर्फ्यू है उसको लगाया गया है, यहाँ पर सब लोग अपने डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके पीछे रीज़न यही है कि जब घर पे रहने के लिए कह दिया गया, केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी लोग घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं, इसकी यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है सभी से कि आखिरकार वो घर से बाहर निकले हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी के मद्देनज़र दिल्ली के जो इलाके हैं सभी इलाके पूरी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जो शुक्रवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक जारी रहने वाला है। यहाँ पर हर एक गाड़ी से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा जो यहाँ पर जांच कर रहे हैं अधिकारी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जांच पड़ताल क्यों चल रही है, क्या रीज़न इसके पीछे, और ये जानने की कोशिश अभी हम करने वाले हैं कि आखिरकार इनसे बात करेंगे कि किस तरीके के लोग यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और सड़कों पर निकल रहे हैं, क्या लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, जो बेसिक नियम बनाए गए हैं क्या उनका पालन हो रहा है यहाँ पर, इसकी जानकारी हम इनसे बात करके लेंगे। किस तरीके से यहाँ पर लंबी कतारें लग गई हैं गाड़ियों की यहाँ पे जांच के लिए, जब बताया गया था पहले से ही, कई लोग ये बहाना दे रहे हैं कि उनको पता नहीं था, उनको जानकारी नहीं थी, जबकि पिछले कई दिनों से टीवी चैनलों पर न्यूज़ द्वारा ये बताया जा रहा है, पुलिस गाइडलाइन के द्वारा बताया जा रहा है कि आखिरकार आप लोगों को नियमों का पालन करना है, उसके बावजूद जो लोग निकल रहे हैं उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या रीज़न है। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से लोग बहाना बना रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, कि अधिकारियों को अभी मीडिया से बात करने की जो है परमिशन नहीं दी गई है, वो ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या रीज़न आ रही है, जानने की कोशिश करेंगे और क्यों निकल रहे हैं लोग, कुछ ना कुछ कागज़ लेके निकल रहे हैं गाड़ियों के अपने, और कागजात लेके निकलने की ये हिदायत दी गई है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको कागज़ गाड़ी से लेकर जो ज़रूरी काम के लिए आप निकल रहे हैं उसकी जानकारी लेकर निकलना ज़रूरी है। आप थोड़ा पास आएंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा। ठीक ठीक ठीक, मेरे से बात करने की बजाय ना आप सुन के देखो, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ। उनके पास टेस्ट की रिपोर्ट है पूरी जा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके पास अपनी रिपोर्ट भी है, उनके कागजात भी हैं, जो उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर, तभी उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। हर किसी से पूछताछ की जा रही है। इसमें आईडी कार्ड ये रहा, वाइफ एसेंशियल सर्विस में, एम्स बोलिए, वाइफ एसेंशियल सर्विस में, आईडी एसेंशियल सर्विस में, एम्स में, ये रहा आईडी कार्ड, उसको लेने जा रहे हैं। ई पास अभी आ जाएगा, आज ही आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स भी लोगों के पास मौजूद हैं, जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट मौजूद है उनको जाने की इजाज़त पूरी तरह से छूट दी जा रही है। अस्पताल में थे सर, पर्ची दिखाइए, कुछ स्लिप अभी डिस्चार्ज पर्ची नहीं है सर। हाँ जी, हाँ जी सर, स्लिप दिखाइए ना आपके, स्लिप नहीं है, देख सकते हो, क्या देखना है? तो पेशेंट है अंदर। ठीक है चलिए। तो इस तरीके से जो लोग जरूरी सेवाओं के लिए जा रहे हैं, जिनको दवाइयों की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, उनको छूट दी जा रही है यहाँ पर, कागजात बिना जांच किए नहीं जा रहे। जूम करिए बेटा, मास्क ऊपर करो, कहाँ जा रहे हैं, कौन से स्टेशन? निजामुद्दीन स्टेशन। टिकट दिखाइए, टिकट है आपके पास? है, दिखाओ टिकट।
तारीख देख लो, जाने दो। सर्विस में आते हैं सर, सब्जी गायक का पता नहीं क्या ऑलि बैल वगैरह सब आती है, ग्रीन टी आती है सर, मेरे पास पास भी है सर पिछले बार का केंद्रीय भंडार वगैरह में सर सप्लाई हमारा। साइड में लगाइए सर। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर जांच कर रही है, एक एक व्यक्ति के एक एक गाड़ी की जांच की जा रही है कि आखिरकार वो घर से बाहर निकले हैं तो उनके निकलने के पीछे क्या वजह है, क्या उनके पास एसेंशियल सर्विस की सुविधा मौजूद है, क्या किसी एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं उसकी वजह से बाहर जा रहे हैं। कुछ लोग दवाइयाँ लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग इनका टिकट है वो बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल के लिए जा रहे हैं, और अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि आज इन नियमों का पालन कर रहे हैं। अधिकतर लोगों में से जो लोग पाए जा रहे हैं वो नियमों का पालन करते हुए पाए जा रहे हैं, बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो इन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गाड़ी लेकर चले आए, उनको नियम का पता नहीं था, ये हवाला दे रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है पूरी विधिवत तरीके से, उनके खिलाफ चालान काटा जा रहा है, मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की हिदायत दी जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जांच की जा रही है। आप पीछे तक देख सकते हैं गाड़ियों का लंबा जमौड़ा लगा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और उन लोगों के खिलाफ हर व्यक्ति से बिना जाँच पड़ताल के बिना कागज़ देखे उनको आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ विधिवत पुलिसिया कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो ये हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे दिल्ली के ग्रीन पार्क से, यहाँ पर जिस तरह से जांच की जा रही है उसकी रिपोर्ट। मैं हूँ विनाश, कैमरामैन सुभाष खोकर के साथ पर्यावरण पोस्ट के लिए। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।